Next interesting example regarding auto store class. In this example, we are declaring three variables, variable x, variable y, variable z. Here y and z are created inside inner block and x will be created inside main blocks. In this case, मैंने कोई भी storage class apply नहीं किया, then by default इन सभी variables का storage class apply हुआ है जा auto store class, or you can write manually as a auto. Like that, both are having same meanings. But the output of this program, so in this case, देखा जाए सबसे important things क्या है? Y के केस में manually initialize क्या किया है 20. Then Y के केस में sure है, Y के केस में output क्या आना चाहिए 20. लेकिन Z के लिए अगर कोई value सा नहीं है, Z का भी default storage class apply हुआ है जा auto, और auto storage class के according Z का default value क्या आना चाहिए? Garbage value, as we are discussing previous lectures. Then let's see what is the output of this program. Suppose that address of x is, according to stack diagram, address of x is 100. This is the given condition. अगर x का address 100 है, then remaining program का output क्या है? इस केस में program का output observe करना possible है. One more things, इसको आप test करना in case of turbo C compilers. हो सकता है different compilers में या advanced compilers में इसका meaning different हो. Meaning same रहेगा, लेकिन other compilers इस type का concept allow नहीं करते. Then इस केस में अगर output check करना, output क्या है? First one, as we know, all local variables are created inside stack area. Inside stack. तो सभी variable का type क्या है इस केस में? Integer. इस program का type क्या? Non-portable. Non-portable means different compilers में इस program का output change होने के chances हैं. 100. 22 bytes के blocks consider करने के लिए previous block का address है 98, 96, 94 and so on. And remaining part. This is stack area. Then what is the output of this program? This is output device monitor. First one, execution start from main functions. Main ke according isko mark karna hai statement 1. Then next one, second statement. Jaise is case mein second statement execute aur second statement ke according perform kya ho raha, memory allocation only 4x. देखा जाए तो इस आउटर ब्लॉक के अंदर मेन ब्लॉक के अंदर ओनली सिंगल लोकल वैल्यू डिफाइन हुआ है, रिमेनिंग लोकल वैल्यू डिफाइन हुआ है इनसाइड इनर ब्लॉक्स. मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस केस में, व्हेनेवर मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेनेवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक. जैसे इस केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स मींस टॉप ऑफ द स्टैक. इस केस में इनिशियली कंसीडर किया एड्रेस ऑफ एक्स इज 100 अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स. देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्स वाई एंड एड्रेस ऑफ एक्स एंड जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एंड रिमेनिंग केसेस. नेक्स्ट वन, थर्ड केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड कम इनसाइड इनर ब्लॉक इन थर्ड केस इज द सेकंड स्टेटमेंट. जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट इनर ब्लॉक में एंटर हुआ, देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई, बिकॉज़ वाई इज अगेन ऑटो वेरिएबल्स. ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक के टॉप में इमीडिएटली परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टेटमेंट एक्स में आसान क्या हो चुका है, वैल्यू एज 10, वैल्यू ऑफ वाई इज 20. इसे एक्स एंड जेड में एक्स एंड वाई में मैनुअली वैल्यू आसान के, इसलिए एक्स और वाई के वैल्यूज ऑब्जर्व करना पॉसिबल है. देन नेक्स्ट वन, फोर्थ स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एज वी आर शो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वैल्यू ऑफ वाई इज 20. नेक्स्ट वन, फिफ्थ स्टेटमेंट. फिफ्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेन डिस्प्ले क्या करा, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई. एड्रेस एक्स का एड्रेस फाउंड हो रहा है 100, वाई का एड्रेस फाउंड हो रहा है 98. डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होना चाहिए? 198. सपोज दैट अगर रियल केस में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर एक्स का एड्रेस फाउंड हो रहा है 65524, वाई का एड्रेस क्या होना चाहिए? 65524. इस द एक्सपेक्टेड आउटपुट. नेक्स्ट वन, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ स्टेट में, सिक्स्थ केस में कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड दिस ब्लॉक, मीन्स सिक्स्थ केस. सिक्स्थ केस मीन्स बिटवीन दिस ब्लॉक्स. नेक्स्ट वन, मीन्स इसके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं, देन इमीडिएटली जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर परफॉर्म हुआ सेंड हुआ, देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी डी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ दैट ब्लॉक विच इज वाई. वाई गॉट डी एलोकेटेड, मीन्स सेम प्लेस 98 अब कंसिडर किया हुआ एज ए डी एलोकेटेड प्लेस, लेकिन अभी भी इस केस में 20 कंसिडर हुआ एज ए गार्बेज वैल्यू. नेक्स्ट सेवन केस में कंट्रोल सेंड हुआ इन साइड नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट इन द ब्लॉक जेड. देन वाई ऑलरेडी डी एलोकेट हो चुका है,
देन अब करेंटली स्टैक के टॉप में डी एलोकेटेड प्लेस कौन सा है, 190 to 96, 98 and 96 रिमेनिंग ऑल। देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या हुआ, एलोकेशन फोर जेड मीन्स प्रीवियस केस में जो लोकेशन पहले वाई के लिए रिजर्व हुआ था सेम लोकेशन अब एलोकेट किसके लिए हो जाएगा, जेड के लिए, मीन्स वाई इज क्रॉस्ड जेड, जेड में कोई वैल्यू साइन नहीं करेगा लेकिन इस केस में श्योर है जो लोकेशन वाई को प्रोवाइड हुआ था सेम लोकेशन जेड को प्रोवाइड हुआ है, वाई के थ्रू सेम लोकेशन में इनिशियलाइज किया था वैल्यू एज 20, इसलिए जेड का वैल्यू भी क्या होना चाहिए एज अ 20। नेक्स्ट वन एट्थ केस में अगेन प्रिंट एप को चांस मिला, जेड में कोई वैल्यू साइन नहीं किया फिर भी जेड का वैल्यू एक्सपेक्ट करना पॉसिबल एज अ 20, एक्स का वैल्यू अभी भी क्या फंड हो रहा है एज अ 10, वाई का वैल्यू क्या फंड हो रहा है एज अ सॉरी जेड वैल्यू एज 20। इस केस में वाई और जेड दोनों के वैल्यू कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली सेम, प्लस जो लोकेशन वाई को साइन हुआ था सेम लोकेशन जेड को साइन हुआ था, वाई का एड्रेस 98 था तो जेड का भी एड्रेस क्या होना चाहिए ऑल्सो 98। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ जेड, एक्स का एड्रेस क्या है 100, जेड का एड्रेस क्या है 98। मीन्स इस केस में रियल केस में जब आप इस प्रोग्राम को रियल में टेस्ट करोगे इस केस में ये तो बताना पॉसिबल नहीं है एक्स का एड्रेस 100 होगा या 98 होगा, मे बी एनी थिंग्स, लेकिन इनमें रिलेशन कैसे होंगे एग्जैक्टली सेम, मीन्स सेकंड फर्स्ट और थर्ड लाइन के आउटपुट्स कैसे होंगे सेम, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट के केस में सेकंड और फोर्थ लाइन में आउटपुट कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली सेम आउटपुट।